पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संबल दलित मुस्लिम सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने ऑटो रिक्शाओं के साथ चौधरी सराय से रैली निकाली। शहर में जाम से मुक्ति दिलाने अवैध ई रिक्शा पर पाबंदी लगे, सड़क पर रजिस्ट्रेड ई रिक्शा चले। शहर में कई स्थानों पर ई रिक्शा वालों की वजह से जाम लगता है। कुछ ई रिक्शा वाले जहां रास्ता तंग होता है वहां भी अपनी ई रिक्शा खड़ी कर सवारियों का इंतजार करने लगते हैं, जिसके कारण जाम लगा रहता है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। उसके बाद SDM संबल दीपेंद्र यादव और RTO को विज्ञप्ति भी दी। संबल में जाम का झमेला बना हुआ है। संबल जनपद के शहर के किसी भी किनारे गुजरना आम पब्लिक का दुश्वार हो गया है। दरअसल यहाँ अवैध ई रिक्शाओं का बोलबाला लगातार हो रहा है, जहाँ किसी तरह का कोई पुलिस व्यवस्था असफल नजर आ रही है। इस गर्मियों के मौसम में लोगों का गुजरना भारी पड़ता है, चाहे शहर की किसी भी गली सड़क या आम रास्ते पर भी हर जगह अतिक्रमण और जगह जगह जुगाड़ ऑटो रिक्शा खड़ी मिलती हैं। आज दलित मुस्लिम सुरक्षा मंच ने काफी संख्या में चौधरी सराय से काफी संख्या में ई रिक्शाओं को लेकर जुलूस निकाला, जिनका पंजीकरण हो चुका है और जो कानून का पालन कर रहे हैं वही लोग आज संबल जनपद में भूखे मर रहे हैं। उनका कोई भी पुलिस प्रशासन विभाग ट्रैफिक पुलिस किसी तरह से कोई नियंत्रण नहीं कर रही है। इस मुद्दे को लेकर विक्रम सिंह भारतीय अपनी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ SDM कार्यालय पर अपना ज्ञापन सौंपा। आज की रैली इसलिए है कि ये लोग बेचारे जिन्होंने ई रिक्शा जो अब रजिस्टर्ड खरीदे हैं उनके सामने किस्त भरने का भी बहुत बड़ा जो है दिक्कत आ रही है कि जो अवैध ई रिक्शा हैं उनकी भरमार संबल के अंदर बहुत है, जगह बेजगह जाम हो रहा है और निकलने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो हम चाह रहे हैं कि जो रिक्शा रजिस्टर्ड हैं उनको संबल सिटी के अंदर चलाया जाए और उससे दो फायदे होंगे, एक तो सरकार को कोस जाएगा, दूसरा जाम से मुक्ति भी मिलेगी।